गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम गोपी कुमार श्रीवास्तव फ्रॉम माइसर सुदाम डी। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक रिवीजन एंड द फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड इन दिस वीडियो आई एम स्टार्टिंग द रिवीजन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स विद द स्टार्टिंग चैप्टर चैप्टर वन। सो लेट स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव टू अंडरस्टैंड। That macroeconomics is defined as the branch of economics which study the economic issue, economic problem at the level of an economy as a whole. जो macroeconomy है is defined as the branch of economic, मतलब एक economics का ये branch है जो study करता है economic problem को कि आखिर economy में हमारे अर्थव्यवस्था में problem क्या है, economic issue क्या है, at a level of the economy, economy मतलब देश का as a whole, मतलब पूरे देश में आखिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है उसको ये डील करता है। जब पार्टिकुलर इंडिविजुअल इंसान का प्रॉब्लम या इकोनॉमिक प्रॉब्लम को देखते हैं या किसी पार्टिकुलर इंसान के बारे में सोचते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक कहलाता है, पर पूरे देश के बारे में अगर हम सोचते हैं या उसका प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक कहलाता है। द सिंपल डिफरेंस इज द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू द इंडिविजुअल प्रॉब्लम एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू द एज इकोनॉमी एज ए होल, मतलब पूरी तरह से पूरे देश में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है या इकोनॉमिक इशू है उससे रिलेटेड होता है। सो अंडरलाइन जो आपको रेड कलर का दिख रहा है वो आपको लिखना है, आपका यही मीनिंग हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स का। द नेक्स्ट टॉपिक हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफर फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक। ये हमें समझना होगा कि आखिर हमारा माइक्रो इकोनॉमिक कैसे डिफर है माइक्रो इकोनॉमिक से। ठीक है, तो चलिए इसे भी देखते हैं। बेसिक ऑफ स्टडी का मतलब देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी द प्रॉब्लम इज स्कार्सिटी एंड द चॉइस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। माइक्रो इकोनॉमिक जो होता है वो भी बिल्कुल प्रॉब्लम को देखता है, बिल्कुल समझता है कि स्कार्सिटी क्या कमी है, किस तरह का चॉइस है लोगों का, बट इंडिविजुअल लेवल तक, पार्टिकुलर वन पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन जो एक इंडिविजुअली लेवल में होता है, एज ए हाउस होल्ड फर्म और एन इंडस्ट्री, कि एक हाउस होल्ड कितना सोचता है, एक फर्म कितना सोचता है, एक इंडस्ट्री कितना सोचता है, उसका डिमांड या प्रॉब्लम क्या है, उसका सप्लाई क्या है। जब पर्टिकुलर एक इंसान के बारे में स्टडी करें तो माइक्रो इकोनॉमी होता है, बट माइक्रो इकोनॉमी स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड द चॉइस एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। द सिंपलेस्ट डिफरेंट इज दैट द माइक्रो इकोनॉमी डील विद द इंडिविजुअल प्रॉब्लम एंड द मैक्रो इकोनॉमी डील विद द इकोनॉमी एज ए होल, एज ए पूरी तरह से जो हमारा अर्थव्यवस्था है पूरे देश के बारे में जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करता है मैक्रो इकोनॉमी। इसे इलास्टिसन के द्वारा भी समझाया गया है, पर आप इसका ऊपर वाला डिफरेंट ही सिर्फ लिख सकते हैं, इलास्टिसन लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप ये क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। अगला डिफरेंट जो है हमारा इकोनॉमिकल वेरिएबल है, इकोनॉमिक वेरिएबल। माइक्रो इकोनॉमिक यूजेज द माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज कंज्यूमर डिमांड एंड द प्रोड्यूसर सप्लाई। मतलब जब माइक्रो का बात करते हैं हम लोग तो वो माइक्रो इकोनॉमिक किस चीज़ पे स्टडी करता है, तो कंज्यूमर पे, या कंज्यूमर का डिमांड क्या है, या सप्लायर का, प्रोड्यूसर का सप्लाई क्या है, एक इंसान का डिमांड क्या है, एक इंसान का सप्लाई क्या है, तो बस एक इंसान पे ही डिपेंडेबल होते हैं, एक इंसान के बारे में ही फोकस करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक। मतलब समझ जाइए कि सिर्फ पर्टिकुलर वन पर्सन के बारे में सोच रहा है, अब मैक्रो इकोनॉमिक पूरे देश के बारे में सोचता है। तो चलिए इसमें भी देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक ऑन द अदर हैंड यूज द माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज एग्रीगेट ऑफ डिमांड, द डिमांड व्हेन माय डिमांड इज ओनली डिमांड बट ऑल द कंट्री डिमांड इज एग्रीगेट डिमांड। मतलब कि सब अगर मेरा सिर्फ डिमांड है तो वो डिमांड है, पर पूरे देश का डिमांड है तो वो एग्रीगेट डिमांड कहलाता है, पर मैक्रो इकोनॉमिक पूरे देश के बारे में सोचता है तो एग्रीगेट डिमांड सोचेगा और एग्रीगेट सप्लाई सोचेगा। ठीक है, जैसे अगर माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में सोचे तो सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई, अब जब मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में सोचे तो डिमांड, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट का मतलब तो टोटल पूरे देश में जो डिमांड किया जा रहा है। इकोनॉमिक एजेंट, आखिर इकोनॉमिक एजेंट कौन कौन है, तो इकोनॉमिक एजेंट रिफर्स टू द इंडिविजुअल एंड द इंस्टीट्यूशन हु टेक द इकोनॉमिक डिसीजन। इकोनॉमिक एजेंट यहाँ पे वो है जो डिसीजन लेते हैं कि किस तरह से देश को चलाना है या किस तरह से चलना है। इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट इंक्लूड कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, जैसे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर हो गया, जैसे कि मैं कंज्यूमर हूँ कि मुझे किस तरह का डिमांड करना है, सप्लाई करना है, ये प्रोड्यूसर सोचता है कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। जब पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं तो वो इकोनॉमिक एजेंट कहलाता है, मतलब अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए ये दोनों एजेंट हो गया कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, क्योंकि इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता है। प्रोड्यूसर अगर गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करेगा तो कंज्यूमर खरीदेगा क्या, डिमांड क्या करेगा, इसलिए ये एलिमेंट है इकोनॉमिक का, अर्थव्यवस्था का।
द फोकस ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ पर्सनल गेन, ये दोनों को दोनों पर्सनल गेन के बारे में सोचता है, फायदा सोचता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। और अगर हम लोग बात करेंगे आगे, सॉरी चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि आगे हमारा क्या है, ठीक है। तो ये जो है मैक्सिमम मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट गेन के बारे में सोचते हैं। इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक यूनिट इंक्लूड स्टेट एंड द स्टेटरी बॉडी लाइक द रिजर्व बैंक, सेबी, बोर्ड ऑफ इंडिया, टाइम द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, दे फोकस ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। आपको सिंपल से बात बताते हैं, जब माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में बात करें, जब माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में बात करें तो वो पर्सनल गेन के बारे में सोचता है कि मुझे क्या फायदा हो। बट जब हम पूरा मैक्रो के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आपका SEBI हो गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या फिर आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या फिर ट्राई हो गया, टेलीकॉम, ये तो पूरा देश के बारे में सोचता है, सोशल वेलफेयर के बारे में सोचता है। मतलब सिंपल से बात, अगर इंडिविजुअल गेन के बारे में सोचे या पर्सनल गेन के बारे में सोचे तो माइक्रो इकोनॉमी, और अगर पूरे देश के बारे में सोचे तो आपका सोशल वेलफेयर, ठीक ना। वहाँ पे प्रॉफिट मोटिव है माइक्रो इकोनॉमी में, और माइक्रो इकोनॉमी में क्या है, सोशल मोटिव है। आप ये भी डिफरेंट कह सकते हैं। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन भी दिखते हैं। इन द माइक्रो इकोनॉमिक देयर इज अ लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन ऑफ द इकोनॉमिक वेरिएबल कंपेयर टू द माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा वास्ट पॉइंट होता है, जबकि माइक्रो इकोनॉमी में बहुत कम होता है। यही बता रहा है एग्रीगेशन का मतलब कि कितने चीज़ इसमें शामिल है। माइक्रो इकोनॉमी में पूरे देश के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारे चीज़ों के बारे में जानना पड़ता है, ठीक है। चले आते हैं डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशन। इस तरह से आप कम से कम 3 डिफरेंट अगर आप लिख लेंगे तो आपका ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, ये रिवीजन के लिए भी बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहला जो हमारा रिवीजन क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमी, एंड द सेकंड रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन द मैक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी, राइट 3 डिफरेंसेस। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो मस्ट केयरफुल, एंड दिस इज द रिवीजन क्वेश्चन, ओके। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक। सेंट्रल इशू हो गया, मेथड ऑफ स्टडी हो गया, ये सभी डिफरेंट है, पर आप अगर 3 या 4 डिफरेंट याद कर लेते हैं माइक्रो एंड मैक्रो का तो काम हो जाएगा, ठीक ना। आप जितना याद करें उतना अच्छा है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो पैराडॉक्स में, आखिर ये माइक्रो एंड मैक्रो पैराडॉक्स है क्या। इसको अच्छे से समझने के लिए व्हाट इज लॉजिकल एट द माइक्रो लेवल मे नॉट बी लॉजिकल एट मैक्रो लेवल। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो माइक्रो लेवल में जो लॉजिकल बातें बताते हैं वो मैक्रो लेवल में गलत हो जाता है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल से बताना चाहता हूँ कि आखिर माइक्रो एंड मैक्रो पैराडॉक्स है क्या, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इफ ऑल द पीपल इन द इकोनॉमी सेव मनी एंड स्पेंड लेस, अगर सभी लोग इकोनॉमी के अगर पैसा को वो बचाने लगेंगे तो डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विस में डिक्लाइन, तो डिमांड जो है वो ऑटोमेटिक डिक्लाइन हो जाएगा। Consequently, the investment may decline and production and the employment level may fall. पर इससे पहले कुछ लिखा हुआ है जो हमारे PDF में आया नहीं, जैसे कि ये देख सकते हैं आप इलास्ट्रेशन में। तो यहाँ पे जैसे लिखा है, an individual save more, he aid his future possibility. देखिए इंडिविजुअल, जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो यही कहा जाता है कि आप जितना ज़्यादा पैसा सेव करोगे उतना अच्छा बात होता है। बिल्कुल सही बात है कि आप अगर पैसा बचाते हो या इन्वेस्ट करते हो, आप भविष्य के लिए पैसा बचाते हो तो बिल्कुल अच्छा रहेगा, आपका भविष्य में वो पैसा काम आ सकता है। तो ये माइक्रो लेवल में हो गया, ये सिर्फ मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ। बट अगर पूरा देश में सभी लोग सेविंग करने लगे, इन्वेस्टमेंट करने लगे तो दिक्कत हो जाएगा, देश चलेगा कैसे, देश में प्रोडक्शन नहीं होगा, कंजप्शन नहीं होगा, सब कुछ रुक जाएगा। वही बता रहा है माइक्रो एंड मैक्रो पैराडॉक्स में कि दोनों में आखिर क्या अंतर है, कैसे दोनों लॉजिकली अलग हैं। तो जो चीज़, जो डिमांड एंड सप्लाई, जो अगर मैं पैसा को बचाता हूँ तो बहुत अच्छा बात है, भविष्य में काम आएगा। बट अगर सभी लोग पैसा बचाने लगे, सभी लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करें, सभी लोग खर्च नहीं करें, जब लोग खर्चा नहीं करेंगे तो गुड्स खरीदेगा कौन, अब गुड्स खरीदेगा नहीं तो प्रोडक्शन होगा कैसे, अब प्रोडक्शन होगा नहीं तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा कैसे, और अर्थव्यवस्था इस तरह से खत्म हो जाएगा। यही लिखा गया है इसमें, यही है माइक्रो एंड मैक्रो पैराडॉक्स, ठीक है। तो मैक्रो में पूरा देश के बारे में सोचते हैं, तो जो माइक्रो में सोचते थे वो पॉजिटिव था आपके लिए, पर मैक्रो में वो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि अगर सेविंग माइक्रो लेवल में अच्छा है तो मैक्रो लेवल में खराब हो जाता है, क्योंकि अगर सब लोग सेव करने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, कंजप्शन नहीं होगा, गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होगा, लोग खरीदेंगे नहीं गुड्स को, तो दिक्कत है यहाँ पे। अब आते हैं स्कोप एंड सिग्निफिकेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, कि आखिर हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक स्कोप क्या है, भविष्य क्या है। तो पहला माइक्रो इकोनॉमी पढ़ेंगे तो आपको ये पहला एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, आप नेशनल इनकम निकाल सकते हैं और उसका रिलेटेड एग्रीगेट के बारे में जान सकते हैं, जैसे GDP, MP, NDP, MP, NDPFC, NDP, NNPFC, तो ये जो भी साथ में मैंने मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम पढ़ाया था ये सभी इसमें आता है। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताता है कि किस तरह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए। मैक्रो लेवल में जब हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो,
एम ए और एम आई दोनों में डिफरेंट रखेगा। थ्योरी ऑफ मनी के बारे में बताता है कि मनी कैसे सर्कुलेट करता है देश में। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल कि किस तरह से इन्फ्लेशन होता है, किस तरह डिफ्लेशन होता है। जनरल प्राइस लेवल मतलब वो प्राइस जो गुड्स एंड सर्विस का बढ़ते रहता है या घटते रहता है। तो इन्फ्लेशन मतलब प्राइस का बढ़ना, डिफ्लेशन मतलब प्राइस का घटना। एंड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट कैसे बनाता है। तो ये सभी जब हम लोग जब तक मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक का ये स्कोप है कि नेशनल इनकम बताना, एम्प्लॉयमेंट बताना, मनी के बारे में बताना, या जनरल प्राइस बताना, या गवर्नमेंट का रोल बताना, बजट बताना, या एक्सचेंज या बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए एक्सचेंज रेट क्या होता है, डॉलर का एक डॉलर का दाम कितना है इंडियन रुपीज़ में, दैट इज एक्सचेंज। एंड द बैलेंस पेमेंट का मतलब होता है जब हम दूसरे देशों के साथ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, उसका सारा डॉक्यूमेंट को लिखा जोखा जाता है कि कितना हमने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का फॉर्मूला है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। ये सभी चैप्टर आपको 12 में मिलेगा रहता है, तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। सो एंड सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, ये आपको इकोनॉमी के बारे में पूरी अच्छी तरह से बताएगा आपको माइक्रो इकोनॉमी। और रोड मैप ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आप कैसे डेवलपमेंट करना चाहते हैं देश को, ये भी बताएगा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बना के रखेगा, किस तरह से सबको स्टेबिलिटी होना चाहिए, किसी चीज़ का दाम अचानक बढ़ने नहीं देता है। बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, मैंने बताया था एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। आप एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं बाहर के देशों से, तो वो आपका बीओपी कहलाता है। प्रॉब्लम ऑफ प्रॉपर्टी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इससे रिलेटेड के काम को जो मैक्रो इकोनॉमी सॉल्व करता है। पॉलिसी फॉर्मेशन करता है, नया नया तरह का नीति लाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अनुसार आता है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। इस चैप्टर में हमारा ये देख सकते हैं आप ऑब्जेक्टिव, इसमें इंपॉर्टेंट है हमारा कि इकोनॉमिक किस चीज़ से कंसर्न है, ये सभी आप ऑब्जेक्टिव ध्यान से देखें। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स भी देख सकते हैं। और हमारा यहाँ पे जो है ये जो मीनिंग है डिफाइंड मैक्रो इकोनॉमिक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यह माइक्रो इकोनॉमिक क्या है, यह मैक्रो इकोनॉमिक क्या है, ये हमारा रिवीजन का पॉइंट है, आप इसे देख सकते हैं। गिव टू एग्जांपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी, ये भी देख सकते हैं आप। तो ये सब हमारा जो क्वेश्चन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक है, जो मैंने 3 या 4 पॉइंट आपको डील किया था उसको डिफरेंट बताना है। आप टेबल बना के भी डिफरेंट बना सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इस तरह से बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी का क्वेश्चन 6 मार्क्स में दिखा हुआ है, डिफरेंट बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक। तो इसमें तो 6 मार्क्स है, मतलब 6 पॉइंट लिखना है, पर आपको 3 या 4 मार्क्स में पॉइंट में भी आप इसको लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, सो थैंक यू, दिस वीडियो इज कम्प्लीटेड, थैंक यू। पर आप इतना जान लीजिए कि आपको ये सभी क्वेश्चन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे तरीके से करें, और ताकि आपके एग्जाम अच्छे से जाए। ये आपका पहला रिवीजन है, और साथ में इस चैप्टर को भी मैंने पढ़ा दिया, रिवीजन भी हो गया आपका, चैप्टर भी पढ़ा दिया। सो अच्छे से तैयारी कीजिए, और क्वेश्चन आप समझ जाइए कि आपको मैंने क्या क्या डिस्कस किया इस वीडियो में। जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे नहीं, तब तक आपको क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट समझ में नहीं आएगा। आपको क्लू मैंने दिया तो आप इसको समझ सकते हैं। सो मस्ट लर्न एंड राइट दिस चैप्टर। थैंक यू।